हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? ठीक हो सारे? प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कुछ टाइप्स हमने डिस्कस की थी, मीन्स सॉल्यूशन। ठीक है, वो कौन कौन से सॉल्यूशंस थे? आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी वर्ड प्रॉब्लम। नाउ बेटा, आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज 3.6 है जो एनसीईआरटी, वहां पर आपका लास्ट टॉपिक है जो वो ये है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में नहीं होंगी, मीन्स समथिंग चेंज होगा। ठीक है, बट जैसे ही आप उन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको लगेगा शायद ये होता तो ना, अगर ऐसा इक्वेशन हो जाए तो मैं फटाफट कर दूं। ठीक है ना, इसका इतना कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आपको मिलेगा। आपको सीधी सी एक ऑब्जर्वेशन आपने करनी होगी इक्वेशंस को ऑब्जर्व करके, कि जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कुछ क्वेश्चंस की, उन प्रैक्टिस के दौरान आप के अंदर ये एक खूबी आ जाएगी कि आप उसको जस्ट ऑब्जर्व करने पर या बता दोगे ये कैसी है। ठीक है, इसका एक छोटा सा सिस्टमेटिक वे है, मैं एनसीईआरटी के अपने जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, वहां से आप सबको स्टूडेंट्स को गारंटेड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक्सरसाइज 3.6 आपके सामने। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बुक का, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम। देखो कहा है ना, बाय रिड्यूसिंग देम, ठीक है, टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये आपके पास, मैंने ना आपके जो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, उसके एट पार्ट्स हैं। एट पार्ट्स में से जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सिंगुलर होते हैं, तो मैं आपके सामने बैठे थ्री पार्ट्स को मैं डिस्कस करूंगी, और इन थ्री पार्ट्स को लेकर, ठीक है ना, आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो क्लियर हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या कहा है इसने, वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री वाई इज इक्वल टू टू, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन अपॉन टू वाई इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन सिक्स। स्टूडेंट, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, आपने जो अभी तक स्टेटमेंट डिस्कस की वो इस तरीके से की थी, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू, मीन्स आपका जो वेरिएबल्स होते थे वो वेरिएबल्स न्यूमरेटर्स में होते थे, ना कि डिनोमिनेटर में। आपकी बार इससे जो एक्सरसाइज की वो खासियत क्या है, वो ये रहेगी, आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे वो डिनोमिनेटर में रहेंगे, या वो वेरिएबल्स भी किसी फंक्शन को इक्वेशन फॉर्म कर रहे होंगे, बट वहां पर भी एक सिमिलरिटी रहेगी दोनों इक्वेशंस में, उस सिमिलरिटी को आपने देखना है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो कि 1 बाय 2x है, क्या है ये 1 बाय 2x है, यहां पर भी क्या है 1 बाय 3x है, 1 अपॉन 3y, 1 बाय 2y, ये कुछ भी हो, कांस्टेंट डजंट मैटर। तो स्टूडेंट, एक तो आपके सामने ना ये बात क्लियर होनी चाहिए, जैसे ये 1 बाय 2x है बेटा, इसका मतलब है 1 बाय 2, 1 by 2x का मतलब है 1 by 2 into में 1 by x, 1 by 2 into में 1 by x। जैसे 1 by 3y है, तो इसका मतलब ये है 1 by 3 into में 1 by y। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, 1 by 2x है जो, यानी कि 1 by 2 into में 1 by x करके देख ले, मल्टीप्लाई करके आपके सामने सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपने अगर इसको रीराइट किया, आप ये लिख सकते हैं 1 बाय 2 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय 3 इंटू 1 बाय वाई इज इक्वल टू योर 2। इसको हम लिख देंगे 1 बाय 3 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय वाई इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। स्टूडेंट, ऐसा जो दी गई इक्वेशंस से आप देखकर आपके माइंड में एक जस्ट एक मतलब कि कंसेप्ट क्लियरिटी सामने होगी, दोनों इक्वेशन में आपको सेम कुछ दिखाई देगा। वो क्या, जैसे इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन में और इक्वेशन में आपको क्या दिखाई दिया, दैट 1 बाय एक्स की जो वेरिएबल वाली चीजें है ना, वो सेम दिखाई देंगी, यानी कि एक्स ने जो भी फंक्शन फॉर्म किया है, जो भी अपने अलग से बैठा हुआ हो किस तरीके से, वो 1 बाय एक्स है, 1 बाय एक्स है। यहाँ पर क्या है, 1 बाय वाई है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, 1 बाय वाई है। तो यहाँ से मेरी टर्न आएगी कि क्यों ना मैं अब इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में बना लूं। कैसे,
ठीक है ना, जैसे क्लासरूम में कभी होता है हम टीचिंग लर्निंग के दौरान, जैसे जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर हम ना कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं बच्चों के, ए बी सी डी लाइक दिस। तो मैं उन चार बच्चों को ना बोलूंगा, ए ग्रुप को मैं बोलूंगी, ठीक है, बी ग्रुप को बोलूंगी, ना कि उन सभी स्टूडेंट्स का नाम लेने की बजाय। तो इसी गेम में 1/x कहने की बजाय मैं इसका कोई और नाम मैं इसको रख दूंगी, कोई और इसका मैं इसको पुट कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, पुट कर देंगे 1/x को, सपोज आपने p पुट कर दिया, और सपोज आपने 1y को, y को आपने सपोज q पुट कर दिया, ठीक है ना, आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिए, पुट x इज इक्वल्स टू 1/p, सॉरी पुट 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू p, क्योंकि आपने यही चीज तो ऑब्जर्व की थी ना, यहाँ से आपने यही तो ऑब्जर्व किया था ना कि 1/x कोफिशिएंट्स को मत देखिएगा, कोफिशिएंट्स क्या है आपको जस्ट देखना होगा कि आपकी वेरिएबल्स में जो आपकी बनी हुई है फॉर्म उसको आप देखें क्या दोनों को में सिमिलर है, अगर सिमिलर होती है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन करके। अगर सपोज आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया है तो अब आपके सामने जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, आपके सामने अब जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी, देखो 1/2 सेम है, इस 1/x को मैंने p यूज किया है, 1/2 p आ जाएगा बेटे, ऊपर मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, 1/2 इनटू में p, यानी कि जैसे ये आ जाएगा 1/2 इनटू में p, यानी कि एक तरीके से ये मेरा हो जाएगा p/2, ओके 1/2 इनटू में p, ये आ जाएगा 1/3 इनटू में q इज इक्वल्स टू 2, ये आ जाएगा आपके पास 1/3 इनटू में p, और ये आ जाएगा 1/2 इनटू में क्यू इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने देखा, अब वेरिएबल्स की जहां पर बात आती है, हमें आदत होती है एक्स वाई को रखने की, बेटा वेरिएबल कोई भी हो सकता है, आप और हम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो एक्स वाई को करंट मत कीजिए। यहाँ पर फिलहाल जो इक्वेशन है आपकी, ये राइट नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नाउ वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन आर पी एंड क्यू, ठीक है ना, इस इक्वेशन में जो आपके पास वेरिएबल्स है वो क्या आपके पास पी एंड क्यू आपके पास वेरिएबल्स है। अब आपको दिखाई दे कि जो ये इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, हम एलसीएम लेते हैं ना जब आपके पास कोफिशिएंट ऐसे होते हैं, तो मैं इस जैसे इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, या आप ये कह सकते हैं कि एलसीएम ले लूं, मैंने यहाँ पर एलसीएम अगर मैं लूंगी तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, अगर मैंने यहाँ पर 6 एलसीएम लिया तो यह आ जाएगा 3p + 2q इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि 2/1 था, ये 2/1 था, और ये आ जाएगा मेरा यहाँ से, अगर मैंने यहाँ पर 6 एलसीएम लिया ये आ जाएगा 2p + 3q इज इक्वल्स टू 30। ये हम पहले कर चुके हैं एलसीएम वगैरह लेना, ये काफी बेसिक हो चुकी है, और जब मैं दोनों साइड एलसीएम ले लेती हूँ तो मैं एलसीएम को स्किप कर देती हूँ, आपके पास जो इक्वेशन हो जाएगी 3p + 2q इज इक्वल्स टू 12, नाउ 2p + 3q इज इक्वल्स टू 30। अब आपके पास ये इक्वेशंस हैं रेडी हो चुकी है इन लीनियर फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, कौन सी फॉर्म के अंदर, लीनियर फॉर्म के अंदर आपके सामने इक्वेशन रेडी है। अब आप यहाँ से p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एनी मेथड, आपकी चॉइस, आप कोई भी यूज करो, सपोज अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूं, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है अगर मैं सपोज दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन वन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन सेकंड को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, देन कोफिशिएंट ऑफ पी सेम हो जाएंगे, और मैं उनको क्या कर दूंगी, सबट्रैक्ट करूंगी, ठीक है ना, सबट्रैक्टिंग, ठीक है, ठीक है इक्वेशन, ठीक है, 2 फ्रॉम 1 आफ्टर, ठीक है ना, रिलेटिव मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, रिलेटिव मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये है आपने यहां पर तो इस इक्वेशन को तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और आपने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये इक्वेशन मेरी हो जाएगी 6p
ये हो जाएगी 2 2 4 क्यू, ये हो जाएगी 24, ये हो जाएगी मेरे पास 6p, ये हो जाएगी 3 3 9 क्यू इज इक्वल टू 33 39। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो बेटा साइन आपके चेंज हो जाते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया। -9 क्यू + 4 क्यू आपके पास -5 क्यू इधर है, -39 + 24 आपके पास कितना कितना रहेगा बच्चों, 50 आपके पास बचेगा माइनस है 50, माइनस से माइनस खत्म हो चुका, क्यू इज इक्वल टू इज योर 3। अब जो क्यू की आपके पास वैल्यू आ चुकी है, इस क्यू की वैल्यू आप फर्स्ट और सेकंड में पुट कर सकते हैं यूजिंग, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर आपने यूज किया, इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास 3p + 2q, क्यू इज योर 3 इज इक्वल टू योर 12, दिस इज योर 3p, 12 माइनस ये 3 2 6 प्लस माइनस 6 हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू योर 2। ये आपके पास p और q की वैल्यू आ चुकी है। अब p और q की वैल्यू निकाल कर आपने सपोज अगर इस इक्वेशन को अगर आपने नाम दिया स्टार, नाउ यूजिंग इक्वेशन स्टार आपने स्टार का जैसे ही यूज किया, इक्वेशन स्टार में क्या था, आपने 1/x को p माना था, आपने कहा था 1/x इज इक्वल टू p, और अब जो p की वैल्यू है मेरे पास वो क्या है 2 है, और जो आपने 1/y को क्यों लिया था, क्यों की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है। तो स्टूडेंट इन दोनों का मैं अब बीच में वाली चीज को मैं भूल जाऊंगी, ठीक है ना, इन दोनों का यूज करूंगी, 1/x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा 1/2, यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू 3 मीन्स y इज इक्वल टू 1/3। बच्चों ये आपके पास इक्वेशंस की वैल्यू आ चुकी है, मीन्स सॉल्यूशन आ चुका है, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दिस इज नॉट इन प्रॉपर वे, ठीक है ना, इन ए लीनियर फॉर्म, ठीक है ना, जो कि प्रॉपर फॉर्म में नहीं थी। देखो एक बार मैं इसको दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, दी गई इक्वेशन को ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्व करने के बाद उसमें आप ये देखेंगे, जैसे आपने यहाँ पर देखा 1/2 × 1/x आप राइट कर सकते हैं, 1/3y को यानी कि आपने डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लिया, इसी तरीके से यहाँ पर करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपके सामने ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में कि आपका जो वेरिएबल है वो सिमिलरिटी की फॉर्म में होगा, ठीक है ना, जैसे 1/x है 1/x है, ये इसने अपना जो मैनर है वो सेम रखा है, तो उसी चीज को जो भी उसने अपना एक प्रॉपर इक्वेशन बनाई है उसको आप पुट करेंगे किसी भी पी क्यू मतलब आर ऐसा कुछ भी पुट कर सकते हैं, पी क्यू ही कोई जरूरी नहीं है। आपने जैसे ही यूज किया तो 1/2 × दिस इज योर पी, 1/3 × q इज इक्वल टू 2 1/3 × p प्लस 1/2 q इज इक्वल टू 13/6। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर और वीडियोस के अंदर, आपने जब आपके कोफिशियंट्स वो नंबर नेचुरल नंबर नहीं थे फ्रैक्शन में थे वहां पर आपने सीखा था बाय टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, वीडियो को रिकैप कर रहे हैं वहां पर भी मैंने आपको आपके सामने क्लियर किया है, तो आपके सामने इस तरीके से इक्वेशंस बनेंगी। अब मैं यहाँ पर कोई भी मेथड यूज कर सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और देन मैंने सेपरेट किया, मेरे पास क्यू की वैल्यू आ चुकी है, क्यू की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 के अंदर यूज की, देन मेरा पी आ चुका है। जो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया था P को वापस x की फॉर्म में लाने के लिए मैंने सेम चीजें वो यूज की है यहाँ पर, अब मैं बीच वाली चीज को स्किप कर दूंगी, अब मैं डायरेक्ट 1/x और 2 को मैंने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर 1/3 को लिया, मेरे पास सेम आंसर आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट, कुछ तो हुआ होगा, अब बाकी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आपके सामने क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आपके पास फिफ्थ पार्ट है जो कि इसका सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें 1/√x दे रखा है, रूट एक्स को आप वहां पर पी मान लेंगे, 1/√y को वहां पर आप क्यू मान लेंगे, ठीक है ना, और फिर जो पी पी क्यू की वैल्यू है उसको रूट एक्स और रूट वाई की फॉर्म में आप लिख लेंगे। नाउ इसका जो फिफ्थ पार्ट इसमें दिया गया है क्या कहा है, 7x - 2y = 5, दिस यहाँ पर x / y है,
सरफेस, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है 8x plus 7y divided by xy is equals to 15। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ऐसा कर ले, ठीक है, आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो आपके पास है कि आप इसको इधर लेकर जाएं, वो एक क्वेश्चन और है वो बना हुआ है सेम। सेकंड ये है कि आप डिनोमिनेटर के को सेपरेट कर ले, न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर को ब्रेक कर ले। कैसे कर सकते हैं, 7x अपॉन एक्स वाई, इस तरीके से माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू योर 5 एंड 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। आपने ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, y से आपका y कैंसिल हो गया। तो आपके सामने जो इक्वेशन है, दिस इज योर 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू योर 5 एंड दिस इज योर 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15। अब ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये अब सेम वैसा ही बन चुका है। आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व ये किया दैट वी कैन राइट 7 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड इन द सेम वे 8 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। आपने ऑब्जर्व किया, आप ये राइट कर सकते हैं। अब आपने पैटर्न जो देखा, आपने जो पैटर्न जो ऑब्जर्व किया इस इक्वेशंस के अंदर, सपोज देखो यहाँ पर ये वाला कौन वाई है, ये वाला कौन वाई है, मल्टीपल चाहे कुछ भी रहे दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल का पैटर्न है वो सेम है। आप यहाँ ही पर सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे लेट, या फिर आपने कहा कि पुट कर लेते हम यहाँ पर 1y को कुछ भी पुट कर लो। सपोज मैं यहाँ पर अनदर लेती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, आर मैंने वैल्यू यूज की और सपोज मैंने यहाँ पर 1x को s पुट किया, मैं ये चीज यहां पर यूज की है और इसको इक्वेशन मैंने स्टार बनाकर छोड़ दिया है। सो गॉट इट स्टूडेंट, आप जो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 1 अपॉन y आ जाएगा मेरा r, ठीक है, और 1 by x मेरा आ जाएगा यहां पर s minus 2s is equals to your 5 एंड जो सेकंड इक्वेशन है 8 इनटू अगेन 1 अपॉन y आपके पास r था प्लस 7 1 अपॉन x इज योर s इज इक्वल्स टू योर 15, ठीक है। मेरे पास ये दो इक्वेशंस है राइट नाउ, इनको मैं सॉल्व कर सकती हूँ बाय यूजिंग एनी मेथड। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो देखो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करती हूँ क्योंकि आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम करते क्या है, हम इनको रिराइट कर लेते हैं 7r माइनस 2s माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 8r प्लस 7s माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो वेरिएबल्स होते हैं हम उसको लिख लेते हैं पहले, जैसे ये r है, ये s है और ये 1 है। अब r जो होता है यानी कि r s हो गई, अब मैं सेंटर वाले से मैं यहां से लिखना स्टार्ट करती हूँ, ऐसे मैं रोटेट हो जाऊंगी क्रॉस के लिए यहीं पर होंगे यानी कि माइनस 2 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर प्लस 7 आएगा, ये विद साइन आपने लेना माइनस 5 माइनस 15 आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, नाउ अगेन माइनस 2 आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे करना क्या होता है, अब मैं राइट करती हूँ r अपॉन इज इक्वल टू s अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैंने यूज किया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना, क्या यूज किया मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं दी गई है, आप कोई भी मेथड यूज करें, ठीक है, वो मैं यूज कर रही हूँ आपके रिवीजन के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 15 टूजा 30 होता है, फॉर्मूले वाला माइनस आता है। अब आप ऐसे ऊपर जाते हैं मल्टीप्लाई, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये इजी वाला है, 75 जा माइनस योर 35 स्टूडेंट। अब सेम आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे अप टू डाउन, 85 जा माइनस 40 फॉर्मूले वाला माइनस, 57 जा 105
फाइव, ये माइनस प्रोडक्ट के साथ था, ये चीज आ गया आपके पास, ये आपकी ऐसे भी हो चुकी है। अब 7 7 4 7 7 49 एंड ये माइनस फॉर्मूले वाला 8 2 -16 आपके पास आ चुका है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपने देखा दिस इज योर आर अपॉन 30 प्लस 35, दिस इज योर एस अपॉन -40 प्लस 105 है आपके पास, ठीक है। एंड दिस इज योर 149 प्लस 60। अगर मैं इनको यहां पर रीराइट करूं तो क्या है मेरे पास आर, आर जो होगा मेरे पास अपॉन 30 प्लस 35 मीन्स 65 इज इक्वल्स टू एस अपॉन 105 माइनस 40, कितना बचेगा बच्चे 100 माइनस 40, अगर आप करते हैं 60 एंड मीन्स अगेन आई थिंक 65, ठीक है ना, कितना बचेगा 65। एंड वन अपॉन जो होगा 49 प्लस 16 अगेन योर 65। स्टूडेंट दिस इज योर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपके पास है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड अगर आपने लिया R upon 65, 1 upon 65 implies R is equals to your 65 upon 65 is equals to 1। अब आपने लिया from second and third, अगर आपने लिया S upon 65 is equals to 1 upon 65 student again S is equals to 1। अब मैं use कहाँ करती हूँ, मैं अब use करती हूँ equation star था, इक्वेशन स्टार का जहां पर मैंने आर और एस का सब्स्टिट्यूशन किया था यूजिंग इक्वेशन स्टार। आपने स्टार का अगर यूज किया, स्टार में आपके पास 1 upon y is equals to r, r is equals to r और r की वैल्यू 1 है, इसके अलावा 1 upon x को आपने लिया था s और s की वैल्यू अगेन क्या है 1। आप अब इस वाले चीज को भूल जाओगे, ठीक है, आपके पास क्या बनेगा 1 upon y is equals to 1 means y is equals to 1 और यहाँ पर आपके पास 1 upon x is equals to 1 means x is equals to 1, x 1 और y 1 आपके पास ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, आपको यही चाहिए थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वेरिफिकेशन करूं तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। हम कोई भी इक्वेशन उठा लेंगे, सपोज मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई, यहां पर मैंने x और y का मैंने उठाया 7x minus 2y upon xy is equals to 5 है। मैं लेफ्ट हैंड साइड पर अगर x और y का सब्स्टिट्यूशन करूं 7 into 1 minus 2 into 1 1 into 1, यानी कि 7 minus 2 upon 1 means 5 5 is equals to 5, hence यानी कि मेरा जो क्वेश्चन था बिल्कुल परफेक्ट है, इसके जो आंसर्स आए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट है। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जो भी आपको इक्वेशन दी है आपने थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस का यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना होगा, वो जैसे ही आपके सामने इस फॉर्म की आ जाए आप देखेंगे जो वेरिएबल का पैटर्न होगा जैसे वो यहाँ पर इस तरीके से आपको सेम दिखाई देगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप वहां पर कुछ भी अनदर वेरिएबल का नाम रख लेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस में पी क्यू यहाँ पर यूज किया था, यहाँ पर मैंने आर एस यूज किया है, वो यूज करके यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज किया है, जो भी न्यू वेरिएबल की वैल्यू है, न्यू वेरिएबल की वैल्यूज का आने के बाद आप वापस जो इक्वेशन स्टार यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो आप वहां पर जाकर यूज करोगे, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है जो आपके पास, दैट इज योर 8th पार्ट, ठीक है। देखिए मैं वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस को नोट करना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन भी इजी है काफी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका 8th देखें क्या कहा है यहाँ पर, इसमें ये थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन होगा, सभी स्टूडेंट अपनी फुल पावर लगाए समझने के लिए। 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equals to 3 upon 4, 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 3x minus y is equals to 1 upon 8 is equals to
वन अपॉन ए, ये आपके पास इक्वेशंस। अभी तक इससे पहले वाले दो क्वेश्चंस में कुछ चीजें डिफरेंट थी, यहाँ पर आपको और डिफरेंट मिलेगा। इनके जो वेरिएबल्स ने जो इक्वेशंस फॉर्म के जो पैटर्न बनाया है आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे कि डिनोमिनेटर की साइड से भी स्टूडेंट देखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या 3x + 1। आप यहाँ पर चेक करेंगे क्या दूसरे वाली इक्वेशन के डिनोमिनेटर में कोई टर्म है जहां पर 3x + y है, बिल्कुल है आपके पास, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर थ्री, देखो यहाँ पर 3x + y था बच्चे, यहाँ पर 3x - y है, यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर में अगेन फॉर्मेशन आपके पास 3x - y की, यानी कि आपके वेरिएबल मैंने दो पैटर्न यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है ना। दो पैटर्न क्यों बनाए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर दो वेरिएबल का फिर से यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से आप मान लेंगे आपने लेट किया, ठीक है ना, पुट कर लेंगे हम यहाँ पर, आपने पुट किया जो भी पैटर्न दिया गया है हम उसी पैटर्न को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 1 upon 3x + y, ठीक है ना। इसको आपने यूज कर लिया, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको x ले लिया है, ठीक है ना। इसके अलावा 3x - y जो है इसको मैंने सपोज t ले लिया है, ये मैंने यहाँ पर यूज किया है, और जिसका मैं नाम यहाँ पर हमेशा रखती हूँ इक्वेशन स्टार, मैंने ये यूज किया है। अब मैं ये यूज करूंगी यहाँ पर, ठीक है ना, गिवन इक्वेशन के अंदर इस कंप्लीट होल को मैंने s दिया है, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो s बनेगी, प्लस ये कंप्लीट मेरा t है, s + t = 3/4। यहाँ पर देखिए 1/3x + y, यानी कि ये जो चीज है ये मेरे पास क्या है, s है, और यहाँ पर बाहर क्या बचा है, 1/2, यानी कि 1/2 × s, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे -1/2 आपके पास है ही, -1/2, और जो ये जो आपने एज्यूम किया था, ये आपने t किया था 1/2, t = 1/8, ओके स्टूडेंट्स। थोड़े सी कॉमन सेंस का आप यूज करेंगे यहाँ पर इनको सोल्व करने के लिए, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू वेरिएबल दैट इज s एंड t। उसके लिए हम ये करेंगे कि सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, आप इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके एड कर देंगे फर्स्ट के अंदर, ठीक है ना, एडिंग, ठीक है ना, इक्वेशन 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 आफ्टर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना, एडिंग इक्वेशन 2 आफ्टर मल्टीप्लाई इनटू, कहां पर ऐड किया है, इनटू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आपने इसको ऐड किया है। तो बच्चे देखो इक्वेशन फर्स्ट थी s + t = 3/4। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 × 1/2 s बचेगा, इसको भी आप 2 × 1/2 करेंगे तो माइनस आपका t बचेगा, और ये यहाँ पर 2 आएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1/4, और ऐड ही करना है बस, ये आपका कैंसिल हो चुका है, ये आपके पास 2s है, 3/4 एंड 1/4 को आप ऐड कर दें, ठीक है ना, 3/4 एंड 1/4 को ऐड किया, 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 दैट इज योर 4/4, यानी कि 1 ये आ चुका है, यानी कि s की जो वैल्यू आई है वो मेरी 1 आ चुकी है। s की वैल्यू आने के बाद मैं 1 और 2 में यूज करूंगी, मैं निकालूंगी यूजिंग, आपने यूज किया यूजिंग इक्वेशन 1, s 1 है, t मेरा s t इज इक्वल्स टू योर 3/4, नाउ t इज इक्वल्स टू योर 3/4 - 1। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपने देखा 3 - 4/4, यानी कि आपका जो आंसर आया -1/4 आपकी वैल्यू आई है। अब इसके बाद मेरा काम होता है इक्वेशन जो स्टार है उसका यूज करके जो ओल्ड वेरिएबल थे वहां पर मैं इसको लेकर जाऊं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार का मैंने यूज किया, ठीक है ना, स्टार में क्या था, 1/3x + y = s था, और s की जो मेरी वैल्यू अभी निकली है क्या थी, s की वैल्यू मेरी 1, मैंने इसको 1 बना दिया। इसके साथ साथ 1/3x - y = जो t था, और t की वैल्यू मेरे पास वैसे कितनी आई है,
वन बाय फोर, ये मेरे पास माइनस वन बाय फोर। अभी तक आपके जो बाकी आपने क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देखे वो काफी इजी थे, यहाँ यानी कि जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपके पास आ चुका। इस क्वेश्चन में भी आप सेम थिंग करेंगे, बीस वाले को आप जस्ट हमेशा एलिमिनेट करते हो, जो न्यू वेरिएबल आप लेते हो जस्ट ओल्ड वेरिएबल और न्यू जो आपके पास वैल्यू है उसी के अंदर रिलेशन आप सेटअप करेंगे। यानी कि आपके पास है थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर है वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर। स्टूडेंट्स यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, आपके पास ये वन इज इक्वल टू वन इंटू थ्री एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू 3x minus y is equals to your 4, means आपके पास equation है 3x plus y is equals to 1 और ये है मेरे पास minus 3x plus y is equals to 4. Student let this equation is 3rd and this equation is 4, ठीक है ना। देखो बाकी में अभी तक आप यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाते थे, अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने ओल्ड न्यू वेरिएबल की वैल्यू निकाली, न्यू वेरिएबल से आप ओल्ड वेरिएबल निकालने जा रही हैं। यहाँ पर सिंपल आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इनको ऐड कर दे, एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन थर्ड टू फोर आपने ऐड किया, 3x plus y is equals to 1 minus 3x plus y is equals to 4. Students just add here without changing sign, cancel है. This is your 2y is equals to 4 1 5. Y is equals to your 5 by 2. Y की value मैं कहीं भी use करूँगी, मैं निकाल पाऊँगी मेरे पास value किस इसकी x की. Using equation आपने इक्वेशन थर्ड का यूज किया, आपके पास 3x plus y, y is your 5 by 2 is equals to 1, means यहाँ पर आ चुका 3x is equals to 1 minus 5 by 2. तो यहाँ से अगर आप देखें 3x, LCM लेंगे 2 minus 5, 2 minus 5 by 2 आ जाएगा, this is minus 3 by 2, 3x आपके पास minus 3 by 2 and x जो आ जाएगा minus 1 by 2, यानी कि x की वैल्यू minus 1 by 2 आ चुकी है, y की वैल्यू मेरे पास 5 by 2 आ चुकी है, ठीक है ना। ये मेरे पास न्यू वेरिएबल्स आ चुकी हैं। अगर आप क्रॉस इसका वेरिफिकेशन अगर करना चाहें तो स्टूडेंट हम कर सकते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मैं वेरिफिकेशन ना करूँ, स्पेस के कारण मैं यहाँ पर इसका वेरिफिकेशन कर रही हूँ। वीडियो को पॉज करके आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है। आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन कीजिए, वन अपॉन थ्री एक्स की वैल्यू यूज करेंगे माइनस वन बाय टू प्लस वाई, वाई की जो भी वैल्यू थी फाइव बाय टू प्लस वन अपॉन थ्री एक्स यानी कि माइनस वन बाय टू माइनस वाई फाइव बाय टू इज इक्वल टू योर थ्री बाय फोर। ये साइड में सोल्व करूंगी, दिस इज योर माइनस थ्री बाय टू प्लस फाइव बाय टू इज इक्वल टू सॉरी प्लस साइन है मेरे पास, ये आ जाएगा माइनस थ्री बाय टू माइनस फाइव बाय टू। ये मैं ऐड अगर करूंगी तो मुझे मिलेगा, ये वाली जो चीज मुझे मिलेगी ये माइनस थ्री प्लस यानी कि वन, एक तरीके से मेरे को यहाँ पर वन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो मिलेगा माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट बाय टू मिलेगा, माइनस यहाँ पर एट बाय टू मुझे मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू योर थ्री बाय फोर यहाँ पर चला आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा वन ऊपर टू फोर जा एट, दिस इज योर एक तरीके से माइनस प्लस माइनस वन बाय फोर इज इक्वल टू थ्री बाय फोर। आपने यहाँ पर एलसीएम लेंगे फोर माइनस वन बाय फोर इज इक्वल टू थ्री बाय फोर, आपने देखा थ्री बाय फोर इज इक्वल टू थ्री बाय फोर। ये आपके सामने आंसर का की वेरिफिकेशन भी हो गई, यहाँ पर आप श्योर है गारंटेड है कि आपने जो क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा बेटा आपके एग्जाम में फोर मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। तो फोर मार्क्स की बलि हम कभी भी नहीं देंगे, तो उसके लिए हो सकता है कई बार प्लस माइनस में कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, वेरिफिकेशन करते हैं तो आप गारंटेड हो जाते हैं कि ये मेरा बिल्कुल सेफ पार्ट चल रहा है। तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ
यहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो उनके आप प्रैक्टिस करेंगे, बाकी इसके जो 8 पार्ट्स हैं आप उन सभी को सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक। ओके, हैव गुड डे।